प्रॉब्लम। अब यस शुचि खन्ना जी आज हमारे साथ हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग शो ये मैंने देखा है और इसमें तीन तरह के कंपोजिशन आपने बनाए। पहले मैं शुचि खन्ना जी से जानना चाहता हूँ इस एग्जीबिशन का, कि आपने थीम रखा है, इसके पीछे क्या आपके थॉट्स रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने राइटअप भी लिखा है, तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को कि आप खुद ही बता दें कि व्हाट इज राइटर राइटअप सेइंग अबाउट दिस एग्जीबिशन। As the name suggests, the exhibition is called Transcending Thoughts. Okay. जो विचार हमको एक supernatural state में transcend कर देते हैं। Oh, अच्छा। और ये exhibition मैंने बनाई है ये सोच के कि हमें एक dynamic balance की बहुत जरूरत है life में। हमें एक ठहराव की जरूरत है, एक contentment की जरूरत है, एक satiation की जरूरत है। At the same time हमें power चाहिए। बिल्कुल। हमें growth चाहिए। बिल्कुल। और हमें dynamism चाहिए। और हमें नीड टू इवॉल्व चाहिए। तो बुल की क्या इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो आपने बुल बनाए? पहली बार मैंने देखा है ये सीरीज आपका, आप तो लैंडस्केप और मल्टीपल उसके अंदर आपको बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इस तरह चीजें एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इससे डिफरेंट कंपोजिशन इस टाइम। तो ये इस बुल का क्या इससे कनेक्शन है? बुल का कॉनोटेशन माइथोलॉजी के टाइम से पावर, एनर्जी, सिनर्जी, ग्रोथ, हमारे सेंसेक्स का बुल सिंबल भी बुल है। मैं ये पूछने वाला था, सेंसेक्स में तो हमने अक्सर यूज करते हैं, हम लोग ग्राफिक्स बनाते हैं आर्टिस्ट, तो बुल का यूज करते हैं, लेकिन इस पेंटिंग में क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? आपने बोल आप देखिए शिव जी का वाहन था क्या हम बुल के पास चले अगर आप कहें तो, जो आप मुझे प्राउड मेटल बन जाते हैं। सेंसेक्स का टॉरस था बुल। ओके ठीक है, तो मेरे बुल के नाम भी ऐसे है, आरक्षक है, रक्षा करता है। अच्छा, अपने टाइटल भी इनके अलग अलग ही है। हाँ जी। ओके, इसका टाइटल क्या है जो पहला आपने जो कंपोजिशन बनाया? इसका टॉरस है। ओके। ग्रीक बुल जो होता है। अच्छा। जो सेंसेक्स का बुल है टॉरस, पैसा। ओके। मनी, प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो फोर्स, ये फॉर्म्स आपने बनाई है अपने मेमोरी से क्रिएट किए स्टेट अवे? फॉर्म्स के तो रेफरेंस कई बार मैंने लिए हैं। अच्छा। बट बाकी इनको किस तरह से स्पीड दिखाना है और कलर कैसे प्रेजेंट करना है और उसको क्या रिप्रेजेंट करना है वो। ये टेम्परा टोन जो आपकी कंपोजिशन में आ रही है, वाइब्रेंट कलर्स, इसके बारे में कुछ बताएं आपकी जो। मेरी सारी पेंटिंग्स मिक्स मीडिया ऑन कैनवस हैं। अच्छा। तो इसमें मैंने बहुत तरह के मीडियम्स यूज किए हैं। अच्छा। मेटालिक ह्यूज भी आपको इसमें दिखेगी, इसमें आपको शीन भी दिखेगी, इसमें आपको ये जो ये इफेक्ट है यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स, तो ये इफेक्ट मेरे को काफी जद्दोजहद के बाद मिला है, काफी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मिला है, बड़े सारे मीडियम्स यूज किए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे मैं वेरी इंप्रेस कि आपने जो नया एक्सपेरिमेंट किया है बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं सर ये पुराने वर्क्स आपके मैं ऑलरेडी देख चुका हूं। यहां पे 2013 टू 2017 का काम है। अच्छा। तो ये मेरी ड्रीमस्केप सीरीज है। अच्छा। हां, जैसे मैं आई मेंटेन दीस आर नॉट लैंडस्केप्स, दीस आर नॉट सिटीस्केप्स, ओके, दीस आर योर हैप्पी स्पेसेस इनसाइड। व्हाई इट इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी यू आर इंट्रोड्यूसिंग? आई वाज थिंकिंग इट्स अ लैंडस्केप। No. So, I call it a dreamscape series. Okay. We dream of paradise, yes. We dream of beauty, we dream of, like one of my paintings is called My Dream Destination. Oh, very nice. One of my paintings is called Heaven on Earth. Okay. तो ये अब देखिए unrealistic backgrounds हैं। हाँ, बिल्कुल। Nature है और उसके ऊपर realism, अब ये even जो आपका architecture भी है वो भी थोड़ा unrealistic है, थोड़ा different। हाँ हाँ, architecture से मेरा symbolic है घर, घर हम अच्छा। लोगों के लिए, aliens के लिए बहुत important है। घर खाली बिल्डिंग नहीं है, घर लोग है, घर वो जगह है जहाँ हम घर वापस जाना चाहते हैं, तो एक घर की भी इम्पोर्टेंस है हम लोग की लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल। So, मैं देखूंगा आपके जो जितने भी ये घर वाले जो एलिमेंट है पूरा आपके जो कैनवास पे सेंट्रलाइज है पूरा सेंटर में, तो इसके लिए कुछ खास सेम सिंबोलिज्म इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस। और ये जो कंपोजिशन पे थोड़ा सा आपने बर्ड्स का भी यूज किया है। हाँ, और ये क्या सिंबलाइज कर रही है? बर्ड्स इज अबाउट फ्लाइंग, फ्रीडम। एंड इफ यू सी ये मेरे और सीरीज है। अच्छा। जो एब्स्ट्रैक्ट सीरीज है I call them synergy. Okay. इसमें अंदर के energy, force, energy दर्शाता है। These four panels are called relation. Relation. Your jubilation inside, your elation inside. तो इनको euphoria inside. इनको display करने के लिए चारों panel लेना जरूरी होते हैं किसी को, या वो एक panels? नहीं, जरूरी। ये combination लेना है। हाँ, they're independent of each other. They can be taken to
ऐसे नहीं कि चारों मिला के एनर्जी ज्यादा बढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं, सिंगल में भी एक एनर्जी है, बिल्कुल है जी। अच्छा मुझे, मैं स्पेशली मैं अपने व्यूज बताना चाहता हूँ इसके, शुचि खन्ना जी ने जो नया भूल वाला सीरीज बनाया इसमें मुझे, मैं सबसे ज्यादा जो इम्प्रेस हुआ इस वाले कंपोजिशन से हुआ हूँ, क्योंकि इसमें जो इन्होंने फोर्स है, इनके लाइन में जो फोर्स है बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब इससे क्लियर होता है कि इनको इमेज इतनी स्ट्रांगली पता है कि सडनली जहाँ भी इनका स्ट्रोक जा रहा है वो इमेज क्रिएट हो रही है। तो मैं इसके बारे में जानना चाहूँ शुचि जी कि बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे बहुत ज्यादा फोर्सेस नजर आ रही है, तो इस ये बाकी लोगों से, बाकी जो कंपोजिशन उससे डिफरेंट है ये 2017 की कॉम्पोजिशन है ये, और धीरे धीरे हर आर्टिस्ट का ये कॉन्शियसली नहीं वो चेंज करता स्टाइल, आई थिंक वो ओवर द टाइम इवॉल्व होता है, चेंज होता है, वो अपने आप एक मेटामॉर्फोसिस होता है। अच्छा, अपने आप ही चेंज होता रहता है। क्या ये सबसे पहले आपने बनाया या सबसे बाद में ये बनाया? सबसे बाद में। तो इवॉल्व होते होते नई फॉर्मेशन आई, नई फोर्स आई, नया स्टाइल आई, और आपको अपने अपने अच्छा आप अपने मतलब आपको सबसे ज्यादा कंपोजिशन कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है आपके व्यूज में? जैसे मुझे ये सबसे अच्छा लगा है, तो आपकी चॉइस क्या है इसमें? आपने सोचा होगा मेरा सबसे अच्छा आर्टवर्क है कौन सा है? देखिए माँ को तो हर बच्चा पसंद आता है, तो अगर उस तरह से देखे तो सभी पसंद है, पर जैसे ये है, ये बनाए हमने ये वाला क्रिएशन है, इसका टाइटल क्या है? थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे ये वाला। हाँ, ये इसका नाम है सॉयरी विद सेल्फ। ओके, सॉयरी माने पार्टी। ओके, पार्टी औरों से नहीं होती, पार्टी खुद से होती। जब तुम अपने आप से बात करते हो, अपने अंतरात्मा से बात करते हो, जब आप अपने आप को किसी बात को कन्विंस करते हो, अपने आप से जब आप सहमत होते हो, तो आप एक ट्रांस वाली स्टेट में आते हो, हैप्पीनेस की स्टेट में आते हो। जब आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका सोल एक साथ चलता है, सहमति में चलता है, सो दिस इज अ पार्टी इन सेल्फ, इट इज अ सॉरी इन सेल्फ। तो इसमें सिनर्जी वाला इफेक्ट तो इसमें भी है। हाँ जी, हाँ जी, उसी तरह का इफेक्ट इसके अंदर भी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कंपोजिशन है, तीन तरह के ये आर्टवर्क है, ऑडियंस को यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा शो रेयरली मतलब दिल्ली में होता है कि इस तरह के कंपोजिशन, नई फॉर्मेशन आए। और मुझे मालूम है शायद शुचि जी टीचिंग फील्ड में भी है, टीचिंग भी होती है, आर्ट टीचिंग भी करती है। आई एम हेडिंग द आर्ट डिपार्टमेंट इन संस्कृति स्कूल। वेरी नाइस, आई टीच कमर्शियल आर्ट। आई थिंक दिल्ली का बड़ा जाना माना स्कूल है, सब लोग कहते हैं संस्कृति स्कूल में एडमिशन होना बहुत मुश्किल है, तो उसमें शुचि जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट्स की, तो स्टूडेंट को तो बड़ा अच्छा मौका है कि एक आर्टिस्ट जो गैलरी में परफॉर्म करता है और एक टीचर जो सिर्फ टीचिंग करता है, तो ये बड़ा अच्छा है कि जो परफॉर्मेंस भी है उनकी, शोज भी कर रहे हैं और टीचिंग भी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट के लिए तो बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि ऐसे टीचर उनको मिला है जो ऑलरेडी शोज कर रहा है। एक्चुअली यू नो, इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, चिल्ड्रन फील एनकरेज्ड। एब्सोल्युटली, दे आल्सो सी दैट यू आर डूइंग वर्क इन योर पेंटिंग एंड यू आर एक्चुअली लिविंग व्हाट यू आर टीचिंग। तो आप कुछ ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने आर्ट वर्क के थ्रू के इस शो के बाद कि ऑडियंस क्या फील करे? बिगनिंग और एंड में शो का मैसेज यही है कि We don't have to take what life gives us. Okay. We have to dig deeper for happiness. Being positive at any cost. Remaining happy at any cost. Very nice discussion and talking. And within some minute, yeah, maybe 5 to 7 minutes, you have explained all your elements, subject and object and creativity. Thank you very much. Nice meeting. I must thank you for this initiative. So thank you very much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much.